भी संकट हरने वाली बिन्नराज संष्टि चतुर्थी यानी आश्विन मास की इस व्रत की कहानी इस प्रकार है। जिससे भगवान विष्णु के भी कष्ट कटे। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। उसके भी कई विगत कारण थे। अब गणेश जी को विष्णु भगवान के निमंत्रण को बाद में भेजने की बात हुई। भगवान विष्णु की बारात जाने का समय हुआ। सभी देवी देवता अपनी पत्नियों के साथ समारोह में आए। सबने देखा कि विद्य विनाशक गणेश कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। तब स्वयं गणेश जी या नहीं आए, इस बात में आश्चर्य होने लगा। तो सभी ने भगवान विष्णु से विनती करके पूछा कि क्यों गणेश जी को दावत नहीं भेजी गई है। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने बताया, हमने गणेश जी के पिता महादेव और पार्वती को न्योता भेज दिया है। उनके पुत्र गणेश हैं, वो साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता भेजने की कोई आवश्यकता नहीं जब सभी घर वाले एक हैं। दूसरी बात है कि उनको सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए ही। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं है, घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं है। इतनी वार्ता चली रही थी कि इसी बीच किसी ने सुझाव दिया कि गणेश जी ना आएं, अगर आएंगे तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देना, क्योंकि उनकी सवारी चूहा धीरे धीरे चलेगी और वो बारात में पीछे रह जाएंगे। सभी ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए विष्णु भगवान से कहा तो उन्होंने सहमति दे दी। इतने में गणेश जी वहाँ आ गए और उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने के लिए देवताओं ने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। तो गणेश जी कहने लगे, भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अधिक अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दें, वह रास्ता खोद देगी और उनके वाहन धरती में चले जाएंगे या धस जाएंगे, तब आपको सम्मानपूर्वक उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। अब नारद के उपाय को गणेश जी ने सहमत होते हुए मूसक सेना को आगे भेज दी। सेना ने जल्दी ही जमीन को पोली कर दी और बारात वहां से निकलते समय रथों के पहिए जमीन में धस गए। बहुत कोशिश कड़ी मशक्कत के बावजूद पहिए ना निकले, परंतु सभी विष्णु भगवान से कहने लगे, परंतु दूल्हे बने विष्णु भगवान कुछ कर भी ना सके। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए जमीन में और धसते चले गए। जल्दी ही जगह जगह से पहिए भी टूटने लगे। सभी की बात समझ में नहीं आई। तब किसी ने सुझाया, तब नारद ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा तो नहीं किया, यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य जल्दी हो सकता है और संकट भी टल सकता है, क्योंकि वो विद्य विनाशक हैं। और शंकर जी ने अपने दूत नंदी को भेजा, वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजा किया गया। तब वह कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल आने पर वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें कौन सुधारता। पास के खेत में खाती यानी किसान काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। उसने अपना कार्य करते हुए गणेश जी को नमन कर गणेश जी से वंदना मन ही मन करते हुए कहा कि भगवान ठीक कर दीजिए, आप विद्य को हरने वाले हैं, आप विद्य राज हैं। तब उनकी विनती को सुनकर गणेश जी ने सबको ठीक कर दिया था। किसान बोला, हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी को पूजते हैं, ध्यान लगाते हैं। आप लोग देवता होने के बावजूद गणेश जी को कैसे भूल गए। भगवान गणेश की जयकार बोलते हुए किसान ने अपने बिगड़े काम बनाए और सबको बताया। ऐसा कहते हुए बारात सकुशल विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी के यहाँ गई और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी से विवाह संपन्न होकर वापस बारात घर आ गई। गणेश जी के इन्हीं कार्य सिद्ध करने के कारण विद्यनराज कहा जाता है। और षष्ठी के दिन ये घटना घटने के कारण
इस व्रत का महत्व है। कहते हैं विष्णु भगवान के संकट हरने वाले गणेश जी हर किसी के संकट हरने वाले हैं और इस दिन की विधि पूर्वक पूजा पाठ करने से सभी संकट क्षण भर में दूर हो जाते हैं। बोलो विद्य विनाशक गणेश की जय हो। ओम।